हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ इजी किचन हैक्स में। आज हम 7 अलग रेसिपीज बनाने जा रहे हैं जो कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए। चलिए डाइट में खाने वाली 7 डिफरेंट अलग रेसिपीज बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहली रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे टमाटर, प्याज, मिर्ची, धनिया। तीखा आप अपनी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीटरूट भी लिया है। बीटरूट भी आप डालेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होता है। मैंने सारी चीज़ों को रफली काट लिया है। इन इंग्रेडिएंट्स को मैं 2 रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए आधा प्याज मैंने बचा करके रखा है और दूसरी रेसिपी में मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये सब हम डाल देंगे एक चॉपिंग जार में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीटरूट भी इसी में काट करके डाल दूँगी। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप डालेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी ये बन करके तैयार होता है। कुछ इस तरीके से आपको सब्जियों को बारीक काट लेना है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक बोल में। देखिए ये कितना ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है बीटरूट की वजह से। अब यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, तो मैं इसमें से आधा बेसन का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो 4 से 5 चम्मच बेसन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से सेमी थिक बैटर हम बना करके तैयार कर लेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें थोड़ा सा ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर बन करके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे एक तवा रखेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। आप घी, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसे मैं छोटा छोटा इस तरीके से बना लूँगी। आप चाहें तो एक बड़ा सा भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना करके सुबह शाम के नाश्ते में या फिर आप अपने खाने में भी खा सकते हैं। रात के और दोपहर के खाने में भी आप इसे खा सकते हैं। डाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये रेसिपी, क्योंकि हाई प्रोटीन है बेसन की वजह से और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। दोनों तरफ से एक एक मिनट के लिए पका लिया और बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे ऐसे ही सर्व करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज जो मैंने आधा बचा करके रखा था, और यहाँ पे एक मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम चॉपिंग जार में डाल देंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। लहसुन की कलियाँ डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में। इसे भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। बारीक काटेंगे सब्जियों को ताकि सब्जियाँ जल्दी पक जाएं। और इस तरीके से जब हम कट कर लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बाजरा फ्लार। बाजरे का आटा हम डाल देंगे इसमें। तो मैं आधा कप के करीब बाजरे का आटा डाल रही हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सेमी थिक बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और सेम तवे पे हम इसे इस तरीके से फैला लेंगे। बाजरा जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बाजरे की सादी रोटी बना करके भी खा सकते हैं। गेहूं का आटा जो होता है एक टाइम के बाद उसमें भी हल्का फुल्का शुगर होता है, तो मोटापा उससे भी बढ़ता है। तो बाजरे का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा अगर आप खाते हैं तो ये वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी में गुड फैट्स होते हैं, अच्छे वाले फैट होते हैं, तो घी लगाना अच्छा है। तो अब मैं इसे पलट पलट के 2 मिनट के लिए दोनों तरफ से सेक लूँगी और बस ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने एक बनाया है, आपको ज़्यादा भूख हो तो आप 2 बना करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तीसरी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ मखाने। मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा होता है, एक नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हैं।
तो अभी ये देखिए ठंडा है, मतलब मुरझाया हुआ है, नरम है, तो इसे कितना भी मसल रही हूँ मैं तो ये टूट नहीं रहा है क्योंकि क्रंची नहीं है, इसलिए इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 15 मिनट के लिए जब हम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। अब आप देखिए इस तरीके से ये टूट रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रंची और कुरकुरे हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ऑयल का इस्तेमाल ना करें, घी का इस्तेमाल करें। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। घी मैंने इसलिए डाला है ताकि नमक और घी मखाने में अच्छे से चिपक जाए और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इस तरीके से अगर आप मखाने को रोस्ट करके रखते हैं तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। जब आपको छोटी मोटी भूख लगे आप एक कंटेनर में बना करके रख लीजिए और 10-15 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है। मखाने की एक और रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, मिर्ची, टमाटर, धनिया और काकड़ी, मतलब कुकुम्बर। तो इन सारी चीज़ों को मैं रफली काटूंगी और मेरा जो चॉपिंग जार, मेरा हेल्पर है, उसकी मदद से मैं इसे फाइनली चॉप कर लूंगी। खाना अगर ऐसे ही सादा खाना आपको नहीं पसंद है तो जिस तरीके से हमने रोस्ट किया था उस तरीके से आपको रोस्ट करके एक कंटेनर में रख लेना है ताकि वो क्रंची रहे। और उसके बाद दो एक्स्ट्रा रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप मखाने से बना सकते हैं। मखाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप इस वाले नाश्ते को भी कभी भी बना करके सुबह शाम या फिर खाने में जब आपका मन करे आप खा सकते हैं। सारी सब्जियों को मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है। कुकुम्बर भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसे एक बोल में निकाला, इसमें चाट मसाला पाउडर डाला और हमने डाल दिया नींबू का जूस, थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा नहीं, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीटरूट भी डाल रही हूँ। मैं मोस्टली अपने सारे ही रेसिपीज़ में थोड़ा सा बीटरूट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझ में हमेशा आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अगर एक फीमेल के रूप में आप में भी ये सारी कमियाँ रहती हैं तो आप भी बीटरूट ज़रूर खाएँ। अच्छी तरीके से मिक्स किया और ये देखिए हमारा मखाना भेल बन करके बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे शाम के नाश्ते पे, सुबह या फिर जब आपका चटपटा खाने का मन करे तो ये हेल्दी मखाना भेल आप बना करके खा सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हम वापस मखाने से ही बनाएंगे, लेकिन हम भेल नहीं कुछ और बनाएंगे। यहाँ पे मैंने घर पे जमाई हुई दही ले ली है, गाढ़ी दही आपको ले लेनी है। तो मैं इसमें एक बोल के करीब दही लूँगी और यहाँ पे मैं जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि शक्कर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फैट होता है, तो इसलिए हम गुड़ का पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, कुकुम्बर। अगर आप कच्चा प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बिना उसके भी बना सकते हैं। बीटरूट मेरा फेवरेट, इसे तो मैं ज़रूर डालूंगी, कलर भी अच्छा आता है और हेल्दी भी है। अब वही रोस्ट किया हुआ मखाना हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा दही मखाना चाट बन करके तैयार है। सारी वेजिटेबल्स के साथ हमने इसे बनाया है तो ये पूरा का पूरा मील हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन सब कुछ है। नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे यहाँ पे जो कि आप डाइट में खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरा वाला चना ले लिया है, इसमें ब्राउन वाले चना भी आते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो करके रख लिया था और 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट भिगो करके रखने के बाद ये देखिए ये फूलने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें सीटी लगानी है, 6 से 7 सीटी लगाने के बाद ही आपको इस चने को इस्तेमाल करना है। अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज, टमाटर, मिर्ची, नींबू और धनिया। इन सारी चीज़ों को मैं रफली काटूंगी और फिर चॉपिंग जार में डाल के फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो वैसे भी फाइनली कट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जियाँ फाइनली चॉप हो गई हैं। चने को मैंने सीटी लगाई है, 4 से 5 सीटी लगाएंगे ना जब, तो इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और तब खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा चटपटा सा हो जाए, और इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार थोड़ा सा। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, विटामिन से भरा, प्रोटीन से भरा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो रहा है।
नाश्ता नहीं, आप तो इसको एज अ खाने में भी खा सकते हैं। खाने में भी आप इसे अगर खाना चाहते हैं रात के खाने में या दोपहर के खाने में, अगर आप डाइट पे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये हेल्दी सा मसाला चना बना करके आप खा सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया है और बस ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसकी अगर ओवर ईटिंग भी आप कर लें तो आपका मोटापा नहीं बढ़ता है, और इसमें ऑयल तो हमने बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो ये ऑयल फ्री हेल्दी चना मसाला चाट बन करके बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। 1 कप दही लिया है, ये घर में जमाई हुई दही है। आप दही के बदले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे मीठा करने के लिए या तो खजूर का इस्तेमाल करिए, डेट्स, या फिर आप जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करिए। चीनी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम डाइट वाली रेसिपी देख रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे खजूर को मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ कि इसमें सीड्स ना हो, बीज ना हो, और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें बादाम, पिस्ता और काजू थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा हेल्दी ड्रिंक बन करके तैयार है। कैल्शियम है, प्रोटीन है, और दही जो होता है वो तो वैसे भी बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी हमारी बॉडी में। तो इन रेसिपीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं अपने डाइट की जर्नी। आपने देखा कि ये सारी ही रेसिपीज़ बनाना इतना ज़्यादा आसान है, आप इसे कभी भी खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इन रेसिपीज़ को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।